माय न्यू ब्लॉगर आप देख रहे हैं आज मिल जाए हैं नैनीताल, क्योंकि गाइस खाली हुई है नैनीताल में स्नोफॉल हो। गाइस आज भी 90% चांसेस है कि नैनीताल में स्नोफॉल हो। और गाइस इसी समय है अभी हम लोग बिसलपुर पीलीभीत, और ये हमारे पीछे है वो बिसलपुर का स्टेशन। गाइस पहले गाइस ये एकदम हिल स्टेशन लगता था, गाइस हिल स्टेशन पे गाइस स्टेशन होते हैं ना इस वैसे पहले लगता था, लेकिन गाइस अब ये पूरा तोड़ के एकदम नया कर दिया गया है। और ये है मिष्टी, और आज मिष्टी हमारे साथ ही जा रही है। गाइस अभी इसकी वजह बंदर पड़ गया था तो गाइस ये रोने लगी थी, और अभी हम लोग निकाल रहे हैं कार और गाइस अब सीधे चलते हैं नैनीताल। गाइस हमारे गाइस 3 बजे निकलने का प्लान था 3 AM पे, पर गाइस अब 9 o'clock हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। ये है हमारा पहला स्टॉप, अब गाइस हम लोग यहाँ पे रुकेंगे, थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे और गाइस फिर चलते हैं। गाइस हमने खा लिया है, हमारा एकदम पूरा पेट भर चुका है, तो गाइस अब चलते हैं सीधे कार में। और गाइस अब नॉन स्टॉप चलेंगे जहाँ तक है, एक जगह और रुकेंगे जहाँ तक मुझे से लग रहा है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉगर, आप देख रहे हैं अपना अथर्व जोन। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल, क्योंकि गाइस कल ही हुई है नैनीताल में स्नोफॉल। गाइस आज भी 90% चांसेस है कि नैनीताल में स्नोफॉल हो। और गाइस इसी समय है अभी हम लोग बिसलपुर पीलीभीत, और ये हमारे पीछे है वो बिसलपुर का स्टेशन। गाइस पहले गाइस ये एकदम हिल स्टेशन लगता था, गाइस हिल स्टेशन पे गाइस स्टेशन होते हैं ना इस वैसे पहले लगता था, लेकिन गाइस अब ये पूरा तोड़ के एकदम नया कर दिया गया है। और ये है मिष्टी, और आज मिष्टी हमारे साथ ही जा रही है। गाइस अभी इसकी वजह बंदर पड़ गया था तो गाइस ये रोने लगी थी, और अभी हम लोग निकाल रहे हैं कार और गाइस अब सीधे चलते हैं नैनीताल। गाइस हमारे गाइस 3 बजे निकलने का प्लान था 3 AM पे, पर गाइस अब 9 o'clock हो गया, अब हम लोग निकल रहे हैं। नैनीताल जाने की सारी रास्ता ही बंद कर रखी है पुलिस ने। बहुत ज्यादा हैवी स्नोफॉल हो गई है, और गाइस अभी हम लोग स्काई डेक में जहाँ पे गाइस स्वर्ग की डेली आता है आप देख सकते हैं। अभी है गाइस हम लोग हल्द्वानी में, गाइस हम लोग 1 o'clock से हल्द्वानी में घूम रहे थे, इधर उधर जा रहे थे कि कहीं से तो जाने थे हमें पुलिस वाले, और गाइस हमें पुलिस हम लोग तोड़ के आए हैं। गाइस हम लोग गाइस उन लोगों ने जाने नहीं दिया। गाइस अभी टाइम हो रहा है 5:30, और गाइस अभी अभी उन्होंने हमें एंट्री दी है, दी नहीं है यार, व्यवस्था आए। और गाइस वहाँ पे बहुत ज्यादा जाम ट्रैफिक भी था, और गाइस ट्रैफिक भी अब एकदम क्लियर हो चुका है। और गाइस बहुत जल्दी कर लिए हम लोग पूरी तरह से। हाँ गाइस बहुत ज्यादा स्नो पड़ी हुई है एकदम, और ये गाइस आपको भी स्नो के माउंटेन्स दिखाता हूँ। गाइस चढ़ते ही गाइस स्नो के माउंटेन्स दिखना स्टार्ट हो गए। स्टार्ट हो गई है तो अभी बहुत थोड़ी सी स्नो है, फिर नैनीताल में तो बहुत ज़्यादा स्नो है आप देख सकते हैं, ये स्नो पड़ी हुई है यहाँ पे, और गाइस ट्रीज पर भी स्नो जमी हुई है। गाइस इधर बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, अभी आप लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा स्नो है, सामने भी देख रहे हैं गाइस बहुत ज्यादा है। एक ने हवा फैलाई तो मैं फैल गई। अपने आगे जेत गाड़ी थी जो बोला नैनीताल में घर है। गाइस आगे जाने से वो लोग मना कर रहे हैं, और गाइस यहाँ पे करीब 7 किलोमीटर का जैम लगा हुआ है, ट्रैफिक जैम। और गाइस यहाँ पे इतनी सारी स्नो है, गाइस हाथ तो मेरे पूरे जम गए हैं। और गाइस आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कितनी सारी स्नो है।
गाइस वो देखिए गाइस वहाँ पे कार फिसल गई गाइस वहाँ पे गाइस देखिए गाइस कार फिसल गई गाइस देखिए गाइस ये वाली कार उसमें अभी टकरा गई गाइस बहुत फिसल रही है कार ऐसे गाइस ने ऐसे एकदम से ब्रेक मारे कार एकदम जाके टकरा गई और गाइस ये देखिए गाइस पूरी स्नो है गाइस गाइस देखिए गाइस कार सही चढ़ नहीं पा रही है एकदम फिसल रहे हैं गाइस कार के टायर ये पूरी टायर फिसल रहे हैं आप देख सकते हैं गाइस बच गए वो गाइस ऐसा लगा कि हमारी तरफ चढ़ाने को लेके आ रहे हैं गाइस ये करीब 4-5 इंचेस की वो सेंटीमीटर की स्नो फॉल हुई है यहाँ पे 2000 years later गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी स्नो पड़ी हुई है तो गाइस मैंने इन सारी स्नो को उठा के अपनी कार पे इतना बड़ा स्नोमैन बनाया और गाइस हमारे टारगेट ऐसे हल्द्वानी तक लेके जाने का और गाइस हमने कार के पूरी बहुत सारी डाली है और उसके हमने फ्रंट मिरर पे भी गाइस बहुत ज्यादा स्नो डाली है तो गाइस हम लोग थोड़ी देर में ऐसे निकलने वाले हैं क्योंकि हम लोग नैनीताल तो जा नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे हम जाना मना है और गाइस जिस सो गाइस हम लोग यहाँ पे थोड़ा एंजॉय कर रहे हैं थोड़ी देर में स्नो फॉल होने वाली है और ये गाइस मेरा अभी तक स्नोमैन टिका हुआ है यहाँ पे टिकाऊ मामला और मेरी मम्मी मामी डांस कर रही हैं और हमें यहाँ पे एक अपने फ्रेंड मिले हैं ऐसी फ्रेंड मिल गए और गाइस उनकी कार से हमने ब्लूटूथ कनेक्ट करके गाने बजाए हैं हमारी कार में इतने तेज नहीं आ रहे थे तो फिर गाइस हमने इससे बजाए हैं और गाइस बहुत मजे आ रहे हैं गाइस गाइस नीचे देखिए पूरा में गाइस आगे गाइस ढेर है पूरा स्नो का गाइस पैर पे एकदम फंसे जा रहे हैं चला नहीं जा रहा है इस गाइस इसे स्नो में गाइस जैसा कि आपने देखा कि ऐसा हो रहा है और गाइस पापा जी मेरे बार बार उठा रहे हैं और देख रहे हैं और कार में इतनी तेज लगा अभी तो गाइस अभी थोड़ा एंजॉय करते हैं स्नो फॉल होगी जो दिखाएंगे गाइस बहुत ठंड हो रही है गाइस हमारी ये देखिए गाइस बहुत ठंड है गाइस -2 degree टेम्परेचर हो रहा है गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और गाइस हमें नैनीताल में नहीं जाने दिया है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी स्नोफॉल हुई थी सिर्फ एक टाइम में एक ही कार निकल सकती थी गाइस दूसरी कार वहाँ पे क्रॉस करने के लिए आ रही थी तो फिर गाइस जो कार थी वो दोनों की स्लिप हो रही थी स्नोफॉल में गाइस बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रखी है अभी तो मैं आपसे कहूँगा अभी आप लोगों को नैनीताल बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए और गाइस आपको गाइस नैनीताल में एंट्री नहीं दी जाएगी नैनीताल से 5 किलोमीटर पहले ही सब सारे रास्ते पे ट्रैफिक पुलिस खड़ी है वो आपको वहाँ पे नहीं जाने देगी और फिर गाइस वहाँ पे हम लोग रात में रुके हमने 1 घंटा स्नोफॉल का वेट करा गाइस स्नोफॉल नहीं हुई है और फिर गाइस हम लोग वापस आ गए हैं और गाइस आज के ब्लॉग में इतना ही अगर आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बाय